हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। आप सबको मेरे अन्नपूर्णी किचन हिंदी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिना ऑनियन और गार्लिक की आलू गोभी की रेसिपी ले आया हूँ। इसको आप लंच पर फ्राइड राइस के साथ या फिर राइस के साथ या पर कोई भी टाइम रोटी के चपाटी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी को एंड तक देखते रहे। अगर मेरी आज का रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और इस रेसिपी को बंगाली और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है। तो चलिए और देर ना करके आज का रेसिपी देख लेते हैं। आज को रेसिपी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करके काटा हुआ आलू को डाल रही हूँ और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। यहाँ पर अभी हल्दी पाउडर नहीं डालूंगी। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर आलू को ढककर एक मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। एक मिनट के बाद ढक्कन को उठा लेती हूँ और आप लोग देख सकते हैं हमारा आलू बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और आलू को लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेती हूँ। आलू गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लिया। आलू को उतारने के बाद अभी हम सेम ऑयल पर काटा हुआ गोभी को भी डाल देती हूँ और साथ में स्वाद अनुसार नमक। अभी हल्दी पाउडर नहीं डालूंगी। अभी इसको लो फ्लेम पर ढककर एक मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। एक मिनट के बाद ढक्कन को उठा लेती हूँ और आप लोग देख सकते हैं गोभी बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है। अभी यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और इसको फ्राई कर लेती हूँ। गोभी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अभी इसको उठा लेती हूँ और सेम ऑयल पर एक तेज पत्ते और सूखी हुई मिर्ची डाल देती हूँ, साथ में सादा जीरे और सब कुछ फ्राई होने के बाद यहाँ पर काटा हुआ टोमेटो भी डाल देती हूँ। साथ में यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अभी हम सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद यहाँ पर ग्रीन चिली की पेस्ट और अदरक की पेस्ट डाल देती हूँ और लो फ्लेम पर सभी इंग्रेडिएंट्स को कुछ समय तक हम फ्राई कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अभी हम फ्राई करके रखी हुई गोभी और आलू को डाल रही हूँ और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेती हूँ। ग्रेवी के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला चुकी हूँ और इसको एक मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद आप जितना जूसी खाना पसंद करेंगे उतना ही पानी ऐड कीजिए। पानी को ऐड करने के बाद अभी हम पानी को 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। 2 मिनट के बाद जूस यानी कि पानी अच्छे से उबल गया। अभी हम यहाँ पर फ्राई करके रखी हुई जीरा पाउडर डाल दिया, साथ में गरम मसाला भी डाल देती हूँ और सभी मसाला को सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। मैं सभी मसाला को सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लिया और 1 मिनट तक इसको उबल भी लिया। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का रेसिपी बिना गार्लिक और ऑनियन की आलू गोभी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी घर पर एक दिन ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको कैसी लगे। मेरे आज का रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज इधर ही रुकती हूँ, बाय।